आदरणीय आलोक शर्मा जी, जिला कांग्रेस के डिंडोरी के अध्यक्ष जी, मंडला के अध्यक्ष जी, आदरणीय भूपेंद्र मरावी जी, आदरणीय डॉक्टर मर्सकोले जी, आदरणीय चैन सिंह वरकड़े साहब और सावित्री सिंह जी, और हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय संजय कपूर साहब, आदरणीय जैन साहब, ब्लॉक कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसवाई के सभी अध्यक्षगण और गांव गांव से आए हुए हमारे सभी साथीगण। साथियों, आज हमारे बीच में जो नेता उपस्थित हैं, ये हिंदुस्तान के, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, हमारे परिवार के मुखिया है और गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय हमारे नेता है। आज हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता है कि 17 तारीख को आप लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। मैं हमेशा आपके बीच में बोलता रहता हूं, पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो पहली से आठवीं तक है, उनको बच्चों को 500 रुपये के नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ कि चाहिए कि नहीं, हाथ उठा के बताओ। नौवीं से दसवीं वालों को 1000 रुपए चाहिए कि नहीं? 11वीं से 12वीं वालों को 1500 रुपए चाहिए कि नहीं? और हमारे किसानों को 2500 रुपए धान का रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे गोबर 2 रुपए किलो बिकना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे आवास, जिसके लिए भाजपा सरकार पैसा नहीं दे रहा है, 2.5 लाख रुपए आवास का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक चीज आपको पता है, ये शिवराज सिंह अभी बहनों को ठगने के लिए, अरे भाई हमारे घर में काकी भी है, फूआ भी है, मामी भी है, आजी भी है, नानी भी है, सब महिलाओं को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि सब महिलाओं को 1500 रुपए हर माह दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसानों के साथ न्याय चाहिए कि नहीं? यहां तक कि किसानों को 25 लाख रुपए तक इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। गांव गांव में खेत में पहुंचने के लिए सड़क बनाया जाएगा, और डिंडोरी के विकास के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिंता मत करना, डिंडोरी के विकास के लिए हम लोग एक अलग से पैकेज बनाएंगे और कमलनाथ जी से लड़के लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसके साथ जब मैं मंत्री था तो हर गांव में 25,000 बर्तन देने की योजना बनाया था, कमलनाथ जी ने स्वीकृति दिया था। बताओ हर गांव में 25,000 बर्तन के लिए चाहिए कि नहीं? बरहों में 50 किलो एक खाड़ी दसगात्री में योजना चलना चाहिए कि नहीं? ठाकुर देव खेरो माई जोन गांव के रखवरिया है, ओखर लाइक भी विकास संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार की खजाना खुलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आदिवासी दिवस में छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 17 तारीख को पंजा की बटन दबाना, चू करेगा, जब तक चू ना करेगा छोड़ना नहीं, ठीक है कि नहीं? तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बना करके प्रदेश के विकास में आप आगे बढ़ाए। मैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि मुझ जैसे डिंडोरी जिले के गांव के नौजवान आदिवासी को आपने केंद्रीय चुनाव समिति में ला करके आपने डिंडोरी, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, सिवनी से लेकर के पूरे देश में आदिवासी समाज को आपने जो सम्मान दिया है, एक बार जोरदार आदिवासी समाज हमारे ताली बजा करके माननीय खड़गे साहब का स्वागत करने की कृपा करें। और माननीय कमलनाथ जी, आप तो हमारे तरफ से मुख्यमंत्री बन चुके, हमारे डिंडोरी जिले के लिए खजाना खोलने का काम करना, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी का दिल डिंडोरी के लिए बहुत खुला है और खुला रहेगा, ये मैं विश्वास के साथ आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कसौटी की बेला है, निकल पड़ो मैदान में, दाग न कोई लगना पाए, कांग्रेस की शान में दाग न कोई लगना पाए, कांग्रेस की शान में
बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ। अब मैं